जन जन की आवाज़ जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और ऐसा माना जा रहा है कि झारखंड में ऑपरेशन लोटस चल रहा है। जी आप सोच रहे हो ऑपरेशन लोटस, एक्चुअली ऑपरेशन लोटस एक नाम है जिसके तहत ऐसा कहा जा रहा है कि अभी हाल के दिनों में लगातार 3-4-5 बार बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो लगातार वहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, और दिल्ली बड़े बड़े आला कमान से मिल रहे हैं, बड़े बड़े राजनेताओं से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत विमर्श कर रहे हैं, फिर रांची आ रहे हैं। आपको बता दें बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा, एक लीडिंग न्यूज़पेपर के हिसाब से ये खबरें आ रही है कि अभी बहुत बड़े चौंकाने वाले खुलासे करेंगे झारखंड सरकार के खिलाफ, जिससे झारखंड सरकार का जो महागठबंधन है उसमें भूचाल आ सकता है। इस पर वो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब लगातार करेंगे। तो देखा जा रहा है जिस तरीके से वो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से वापस आ रहे हैं, ऐसा नाम दिया जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है। इस ऑपरेशन लोटस के तहत सरकार को कहीं ना कहीं गिराने का काम किया जा सकता है। आपको बताते चले कि ये ऑपरेशन लोटस इसलिए भी नाम दिया गया है क्योंकि जिस तरीके से अभी ईडी जो है वो लगातार अभी आईएएस निलंबित आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल को पकड़ी, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब पंकज मिश्रा को जब पकड़ ली है, जो कि खुद सीएम हेमंत झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि है, जब उनको पकड़ लिया तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सरकार जो है इनडायरेक्टली आरोप भी लगाया कांग्रेस ने कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसी को यूज़ करके सरकार को तोड़ने का काम कर रही है बीजेपी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली आवाजाही बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश इन सबका है, जिस तरीके से जांच एजेंसियां अभी सरकार को थोड़ा सा परेशान की हुई है अपने जांच से, चाहे वो पूजा पंकज मिश्रा की बात हो, साहिबगंज में टेंडर वाली बात हो, चाहे वो खुद हेमंत सोरेन को लेकर लीज खनन पट्टा को लेकर बात हो, बहुत सारे मामले भी हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस इसका नाम दिया गया है कि आने वाले समय में ये गठबंधन टूटेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन जब हमने इस सवाल को कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा से पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सरकार नहीं टूट रही है, सरकार बिल्कुल स्थिर है। आप खुद ही सुनिए राकेश सिन्हा ने क्या कुछ कहा। देखिए, जिस दिन से महागठबंधन की सरकार इस राज्य में बनी उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी इस महागठबंधन सरकार को गिराने का एक साजिश और एक षड्यंत्र लगातार करते रही है, लेकिन इसमें सफलता आज तक हासिल नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हों या भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल जी हों, इन्होंने मीडिया के जरिए यह बताने का भी काम किया था मधुपुर चुनाव में कि 15 दिनों के अंदर यह सरकार गिर जाएगी। तो हमें यह लगता है बाबूलाल जी को अपना कैलेंडर एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए कि उनके कैलेंडर में यह 15 दिन पूरा हुए कि नहीं हुए। सरकार तो अस्थिर है, सरकार विकास के कार्यों में लगी हुई है पूरी प्रतिबद्धता के साथ, और हमारा कार्यकाल 5 साल पूरा होगा क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता झूठ बोलने में, जुमलेबाजी करने में, साजिश रचने में नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुँचाने में है, जो हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस दिशा में पहल कर रहे हैं और उस दिशा में सफलता हासिल कर रहे हैं। तो आपने साफ तौर पर आके सुना को आप कहते हुए सुन सकते हैं कि सरकार बिल्कुल स्थिर है। इवन एक बार बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा था कि 15 दिन तक ये सरकार चलेगी, लेकिन राकेश सिन्हा ने कहा कि 15 दिन, इतना दिन बीत गया, 2.5 साल हो गया, कहां सरकार अभी भी स्थिर है, आगे भी स्थिर रहेगी, इस तरह का कोई ऑपरेशन लोटस काम नहीं आने वाला है, बल्कि सरकार एकजुटता के साथ है। खैर, सरकार एकजुटता के साथ है कि गठबंधन में है, क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने चुनौती दी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बड़ा खुलासा करेंगे, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले पॉलिटिक्स में क्या कुछ नया हमें देखने को मिल सकता है। ऐसी अपडेट के लिए बने रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।